सो हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कल का जो सेमेस्टर 5 का टैक्सेशन का एग्जाम है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया है। थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। भाइयों और बहनों, कल के एग्जाम में एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर 9 में भेज दिया था। उस बच्चे को कोई भी, चाहे वो टीचर था कि स्टूडेंट था, नहीं पता, उसने उसको आंसर भेजा है और इस ये वाला स्कैम पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद जो है पूरा मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर जो है फैल गया है। बट माय डियर स्टूडेंट, बच्चे पैनिक इसलिए है कि मेरा एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कल का जो टैक्सेशन एग्जाम है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो उसको लेकर के जो कंफर्म अपडेट है वो सीयू के ऑफिशियल के साइड से आ चुका है, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट, सीयू के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है उन्होंने कहा है कि कल जो स्कैम हुआ है वो पेपर लीक नहीं है। उनके हिसाब से ये पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर लीक तब होता है जब एग्जाम होने से पहले पेपर रिलीज हो जाए। यहाँ पर एक कोई स्टूडेंट अपना पेपर भेजा है किसी टीचर को या स्टूडेंट को भेजा है, मुझे तो लगता है टीचर ही होगा क्योंकि इतना सॉल्यूशन फास्ट फास्ट टीचर ही दे सकते हैं। तो कोई टीचर या स्टूडेंट को, जिसको भी भेजा है, वो उसको सॉल्यूशन देते जा रहे हैं व्हाट्सएप पे और वहां से उसको आंसर दिया जा रहा था। तो वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ने कहा है कि कल जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये उस बच्चे का गलती है, इसके लिए सारे स्टूडेंट्स सफर नहीं करेंगे। तो फाइनली कल जो टैक्सेशन का एग्जाम आप लोगों ने इतना अच्छा दिया था, ये खुशखबरी है कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। बट हाँ, सीयू के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स है उन्होंने ये भी कहा है कि उन बच्चों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जिन बच्चों ने ऐसा किया है। तो जो बच्चा ऐसा किया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, उसके बाद जो टीचर या जो भी स्टूडेंट उसको आंसर भेजे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। इसलिए आप देखेंगे, आज से 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां भी ऐसा होता है ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी कितने सारे बच्चे लोग मैसेज करते हैं कि सर कितना रुपया लीजिएगा एग्जाम का, 20 आंसर भेज दीजिएगा। कि आपको मैं विश्वास नहीं होगा दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, 5 से 6 बच्चों ने मुझे ऐसा मैसेज किया। मैंने बोला नहीं बाबा, 5 लाख भी दोगे तो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि ये अनएथिकल है। एग्जाम हॉल के बीच से ऑफलाइन के बीच से आंसर बताना ये बहुत गलत हो जाता है, ऑफलाइन एग्जाम में आंसर बताना। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए स्टूडेंट्स को भी कभी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज़ होता है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, खुशी का बात यही है कि आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ में इन्वॉल्व मत होना। प्लीज़ एज अ एल्डर ब्रदर डोंट कंसीडर मी एज अ टीचर, भूल जाइए कि हम आपके टीचर है। एज अ एल्डर ब्रदर टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये जो मैसेज आपको दे रहे हैं इसको कंसीडर करिए कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्या जरूरत है ये सब करने का। टेलीग्राम के चक्कर में क्यों पड़ेगा, जहाँ तहाँ अनसन टेलीग्राम में ऐड हो जाते हो, मत ऐड होना। और प्लीज़ सबको फैला दो कि आप लोग का फाइनली कल का जो एग्जाम है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम दिस इज नॉट पेपर लीक, सो एग्जाम्स विल नॉट बी कैंसिल्ड, बट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस। थैंक यू सो मच।